बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें आज हम बहनों के हवाले से पढ़ने वाले हैं। इल्मे मिरास में आपको वरसा की जो बेसिक तकसीम है आपको मैंने वो बताई है, ज़वील फरूद हैं, असबात हैं और ज़वील अरहाम हैं। ज़वील फरूद वो होते हैं जिनका ऐसा मुकर्रर है और वो 12 हैं, 4 मर्द और 8 औरतें। उनमें से ये जो 8 औरतें हैं, 3 बहनों की किस्में हैं, 3 बहनें। अब तीनों की जो हालतें हैं वो सेपरेट सेपरेट हैं, कुछ चीज़ें मुश्तरक हैं और कुछ चीज़ें सेपरेट हैं। ठीक है, बहनों में जो माँ की तरफ से बहन होती है जिसको आप अख़ियाफ़ी कहते हो, उनकी हालतें आपने पढ़ ली हैं और उसमें जो है ना कलाला का जो कन्सेप्ट है वो भी आपने पढ़ ली है। अब वो वाला कलाला वाला जो कन्सेप्ट है वो यहाँ पे आज मैं ज़िक्र नहीं करूँगा मैं, क्योंकि उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगरचे कलाला का ताल्लुक बहनों की तीनों किस्मों के साथ है, लेकिन क्योंकि मैंने वहाँ भी बयान कर दिया है, अगर किसी को डाउट है कलाला के कन्सेप्ट में ये क्या कन्सेप्ट है या कलाला का जो लफ्ज़ है वो कहाँ पे बोला जाता है, उसका क्या महल है, आप वो पीछे आप सुन सकते हैं। आज हम देखेंगे सगी बहनें और बाप की तरफ से जो बहनें होती हैं उनको, कि उनका हिस्सा जो है वो क्या और कैसे दिया जाएगा। हम मिसालें जो हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो बाप की तरफ से जो बहन होती है उसको आप कहते हैं उख्त मिनल अब वल उम। अगर आप मिनल अब वल उम साथ ना भी लगाएं तो इसका मतलब ये एक सगी बहन, क्योंकि जब अमूमन जो है ना हमारे ये होता है कि जब हम कहते हैं मेरा भाई है या मेरी बहन है तो मुराद सगी होते हैं। कम ही ऐसे होता है कि एक औरत की शादी हुई, मसला बन गया, फिर आगे शादी होगी और वो ऐसे अख़ियाफ़ी आपस में, माँ की वजह से रिलेशन है बच्चों का। और बहुत कम ऐसे होता है कि बंदे ने जनाब 2 शादियाँ की हैं या 3 की हुई हैं और आपस में जो बहन भाई हैं वो अल्लाती हैं, बहुत बहुत कम होता है। अब ये वाली जो बहन है इसकी जो हालतें हैं, हालतों से मुराद जो आपने हिस्से इनको देने हैं वो ये वाले हैं, या तो इसको इनको क्या कहते हैं निसब मिलता है और या फिर सुलुसान मिलता है और या फिर असबा बिल गैर और या फिर असबा माल गैर और या फिर माजूबा। ठीक है, आपने ऐसे लिख लेना है। अब अगर ये जो सगी बहन है अगर अकेली हो तो इसको आपने निसब दे देना है, और अगर जायद हों, एक से जायद हों, तो उनको आपने 2/3 देना है। और अगर इसके साथ आ जाए इसका जो भाई है, यानी कौन सा अख मिनल अब वल उम, तो फिर आपने उसको असबा बिल गैर बना देना है। और अगर इसके साथ आ जाए बेटी या फिर पोती तो आपने इसको असबा माल गैर बना देना है। और अगर असल आ जाए बाप दादा, ठीक है, और या फिर मुजक्कर फरा आ जाए सही, बल्कि इधर असल ना लिखें, इधर लिखें बाप आ जाए, कौन आ जाए अब आ जाए, अब की मौजूदगी में और मुजक्कर फरा की मौजूदगी में इनको नहीं मिलेगा। अब ये मैं ये वाली बात यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ सुन लें, क्योंकि दादा दादा आ जाए और साथ ये भाई बहन आ जाएं, हिस्सा मिलेगा या कि नहीं मिलेगा इसमें अहले इलम का इख्तिलाफ़ है। और इसके इस सूरत के ऊपर एक बकायदा चैप्टर है, एक मुकम्मल बहस है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? तो इसलिए आपने यहाँ कहना बाप
और मुजक्कर फरा, मुतलक फरा नहीं, क्योंकि मोनस के साथ यस्वा बन रहे हैं ना, और भाई मोनस के साथ अस्वा बन रहे हैं, इसलिए हम कहेंगे मुजक्कर फरा। अब इसके मुताबिक हम ये वाला जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो हालतों के मुताबिक यहाँ पे मैं मिसालें दे देता हूँ ताकि मामला वाज़े हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे। अब यहाँ पे देखें, एक शख्स फौत होता है और वो बीवी छोड़ता है और साथ बहन छोड़ देते हैं, सगी बहन, साथ हम चाचे को लगा लेते हैं जी, क्योंकि वध्या घटिया आपा चाचे नु देना है, औलाद नहीं है तो इसको हम क्या देंगे, चौथा हिस्सा रुबो, और ये अकेली है इसको हम देंगे निस, और चचा साहब हमेशा होते हैं असबा, रुबो फरीके सानी के साथ आप मसला बनाएंगे, बारह से माल के बारह हिस्से करेंगे, इसको चौथा हिस्सा आप तीन देंगे, इसको आधा हिस्सा आप छः देंगे, छः तीन नौ, बाकी इतना बच गया तीन। क्लियर है, बात समझ आ गई है। एक और मिसाल हम बनाते हैं यहाँ पे, एक शख्स फौत होता है, वो जद्दा छोड़ता है और दो उख्त मिनल अब वल उम ये छोड़ता है, और साथ हम लगा देते हैं यहाँ पे किसको, चचा को, तो चचा हमेशा असबा, जद्दा को सुदुस, और ये एक से ज़्यादा है, इनको हम क्या देंगे, सुलुसान, मसला बनाएंगे, फ्रीके वल फ्रीके सानी में दो आ जाए जिसका मखरज बढ़ाओ, ये उसूल है, तो मसला बनाएंगे हम छः से। और अगर किसी को ये बनाना नहीं आता, मैंने पहला लेक्चर दिया हुआ ये समझाया हुआ है कि आपने जो अजाफ या कल वाला तरीके से या इस तरीके से कैसे आपने मसला बनाना है, मसला बनाएंगे आप छः से, छठा हिस्सा आप इसको एक दे देंगे और इसको तीसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा डबल करके सुलुसान देना आपने, तो तीसरा हिस्सा छः का तीसरा हिस्सा दो है, उसको डबल करके चार, ये बच्चे जो बाहर बैठे हुए छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, इनको समझाने के लिए मैं चीज़ें बार बार बोल देता हूँ, वो देखो पीछे छोटा सा बच्चा बैठा हुआ, तो इनको हम दे देंगे चार और पीछे ये एक, स्कूल नहीं ना गए भाई, इसलिए बच्चे हैं ना, स्कूल स्कूल का मुँह भी नहीं देखा, वो घर वालों ने जैसे छोड़ा फीडर उठा के डाल दिया मदरसे में, ठीक है, अब इसलिए इस तरह की चीज़ें देख के वो वैसे ही, और टेंशन नहीं लेनी, मैं भी ऐसे ही था, मैंने भी स्कूल नहीं पढ़ा था जामिया में, और फिर जब मैं इधर आया ये पढ़ने लगा तो मुझे बहुत टेंशन पहले हुई थी, परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि हमें जनाब क्या कहते नीचे गिरा दिए है और ख़ुद जनाब अपनी एफिशिएंसी हमारा नहीं, मैं भी ऐसे ही था। अब यहाँ पे आपने क्या किया, एक से ज़्यादा इनको दे देंगे सुलुसान, क्लियर है, और यहाँ पे देखें, इधर देखें, एक शख्स एक औरत फौत होती है और वो खामा छोड़ती है और अख और उख्त, सही, मैंने साथ मिनल अब वल उम नहीं लगाया, मतलब वही मुराद हैं, अब ये खामद है औलाद नहीं है तो इसको क्या देंगे, निस्ब, और ये असबा होता है और साथ इसको भी असबा बना देगा, असबा कौन सा, असबा बिल गैर, ये दोनों असबा इकट्ठे ही हैं, ठीक है, वो मैंने वैसे लिख दिए, अदरवाइज ऐसे आप लाइन लगा के ना ऐसे ये निशान, तो नीचे लिखेंगे असबात, ये आपस में असबात हैं, यानी ये मुश्तरका असबात हैं, तो मसला बनाएंगे दो से, एक इसको और एक इसको, बाकी तसीब वाला अमल, तसीब वाला अमल फिर हम कर लेते हैं वो। एक तो आज जड़े कच्ची पक्की दी क्लासें लगियाँ ने इतने जिन्हें हर रोज़ काम शुरू, इनको भी पता नहीं, पता नहीं बोल हैं ज़रा, इनको उर्दू भी ऊँची पढ़ना पड़ती है, इनको बोल हैं ज़रा ऐसा। अच्छा आगे है, दरा बंद कर दें, अब ये भी कोई पढ़ने वाली चीज़ है, हुआ हुमा हिया हुमा, ये बंदा वैसे याद कर लेता है, उस्ताद के गाँव में पढ़ा दें, अभी वो हुआ हुमा साथ हुआ हुमा हिया हुमा हिया हुमा, ये जैसे कवाली नहीं होती है, वो एक बंदा कवाली कर रहा है पीछे सारे, वो उसी जैना क्या कहते हैं तरस पे ये लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा जी इधर आ जाएं, एक शख्स फौत होता है, वो बहन छोड़ता है और साथ बेटी, और उसके साथ हम जद्दा लगा देते हैं और साथ हम आम को लगा देते हैं, सही, अब ये असबा माल गैर है, बेटी के साथ आ गई ना, ये क्या है, असबा माल गैर है,
और बेटी अकेली उसको निश्चित देते हैं, भाई दरवाजा सही बंद किया करें, मैंने पहले बंद किया, आप क्या करते हो, लस्सी कम पी गया करो। जद्दा गनूदगी में पता है जद्दा दरवाजा खुला या बंद है। जद्दा को सुदूस देंगे छठा हिस्सा, और ये जो है ये क्या है अशबा। निश्चित फरीके सानी के साथ आ जाए, मसला आप बनाते हैं छः से, तो इसमें ये देख लें जब ज़्यादा अशबात हों, ये भी अशबा है ये भी अशबा है, आपने ये पहले फाइनल कर लेना किसको देना है। तो ये करीब वाला है आसान, मैं बता रहा हूँ आसान करके, और ये दूर वाला है, हम इसको कांटा लगा देंगे, इसको नहीं देना, बाकी लोगों को हमने देना है। और वो अशबा की बात आपको मैंने पढ़ाई थी याद है, दोबारा फिर पढ़ा दूंगा मैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अशबा जो है ना वो जुजुल मैयत, मैयत के जो औलाद वगैरह है, असरुल मैयत बाप वगैरह, जुजु अबिल मैयत, जुजु जद्दिल मैयत, ये मैयत के भाई वगैरह, मैयत के चचा वगैरह, तो पहले अपनी औलाद, फिर माँ बाप, फिर भाई, फिर चचा, ये इस तरतीब के साथ। तो ये तीसरी कैटागरी में और ये चौथी में आता है ना, तो तीसरी वाले को देंगे, चौथी को नहीं देंगे, ये वो जो जनरल तकसीम है वो मैंने आपको बता दी। अब इसको छठा हिस्सा हम इसको एक दे देंगे, और इनको तीन दे देंगे, बाकी दो बचेगा हम इसको दे देंगे। वो ये वाली ये इसकी जो है ना, ये क्या कहते हैं एक्सप्लेनेशन है। और मजूबा बाप की मौजूदगी में, यहाँ पे उख्त है और अब है, और साथ हम किसको लगाएं, इबन को नहीं, बस यही काफ़ी हैं। या अगर लगाना है तो हम ओम को लगा देते हैं, आम नहीं भाई, ये ओम है, अभी गर्मी में आम माने ने ये अरबी का ओम लिखा हुआ है। ये देखें, औलाद नहीं है तो बाप अशबा, और बाप की मौजूदगी में ये महजूबा, और माँ इसको देंगे सुलुस, मसला छः से कहाँ से है, तीन से, इसको एक और इसको दो दे देंगे, ठीक है जी। अच्छा ये वाले जो है ना, क्या कहते हैं, ये पांच चालते हैं जो होती है बाप की तरफ से बहन, उसकी भी यही सेम टू सेम यही हालतें, लेकिन उसमें दो हालतें जो है ना वो ऐड करना पड़ती हैं और, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसकी कितनी हालतें हैं, इसकी हालतें हैं पांच, और इसकी हालतें हैं सात। तो ये पांच हालतें अगर आपने आपको याद हैं तो यही सेम टू सेम आप ये उधर हालतें आप मतलब डाल सकते हो, साथ बना सकते हो। कैसे, आप एक बंदा पूछता है कि भाई जो बाप की तरफ से बहन है उसकी कितनी हालतें, आप बोलेंगे साथ, यही है, अकेली होने से एक से ज़्यादा सुलसान, साथ भाई आ जाए तो अशबा बिल गैर, और साथ बेटी पोती आ जाए अशबा माल गैर, और अगर बाप मौजूद हो या मुजक्कर फरा मौजूद हो तो मजूबा, जो ये सेम टू सेम वो यही। और यही ये जो वाली मिसालें हैं ना, इसमें अगर आप इन्हीं हर मिसाल में मिनल अब मिनल अब मिनल अब आप ऐड करते जाएं तो यही मिसालें सेम टू सेम वही बन जानी है, समझ आ रही है। अब इसमें दो इजाफी हैं, एक ये है कि सुदुस उख्त मिनल अब को सुदुस भी मिलते हैं, सुदुस छठा हिस्सा, और फिर मजूबा, अब ये भी मजूबा ये भी मजूबा, भाई ये क्या लिखा ये क्या है। तो फ़र्क करने के लिए मैं ये कह देता हूँ, सोना नहीं है भाई, मजूबा मुतलका, और ये है मजूबा मशरूता, ये मुतलका लिखा हुआ है, इसको बाद लोग पढ़े मजूबा मुतलका, ठीक है, तो हर एक हर जगह पे मुतलका ना ठोक दो, ये मुतलका है, मतलब अब इसको नहीं मिल सकता, कोई भी सूरत नहीं है, रुकावट आ गई है, कोई भी सूरत नहीं है, ठीक है भाई, कोई भी सूरत नहीं है इसको मिलने की। और ये मशरूत है, यानी नहीं मिलेगा इल्ला ये के फलां सूरत हो तो फिर मिल जाएगा, ठीक है। अब कौन से ये देखें, सुदुस कब मिलेगा पहले ये समझ लेना, छठा हिस्सा इसको कब देना है, जब सात वो एक आ जाए, सात उख्त आ जाए, उख्त मिनल अब के साथ उख्त अकेली आ गई है तो फिर इसको छठा हिस्सा देंगे, उख्त इस वाली को छठा हिस्सा देंगे, मतलब ये दोनों आपस में आ गई हैं ना, इकट्ठी आ गई हैं, तो आप इसको देंगे और इसको देंगे।
और अगर मजूब, अभी बात करने लगा हूँ, आगे चलें तो सही। अगर मजूबा मशरूता दो उख्त हों तो फिर इसको नहीं मिलेगा इल्ला ये के, इल्ला ये के क्या, आगे उसका भाई उसका सुबह बना दें, इल्ला ये के अख मिनल अब आ जाए तो फिर उसको मिल जाना, जाहिर बात है वह सुबह बन जाएगी ना, अब सुबह बनने की वजह से मिल जाएगा। अच्छा, इसकी ये जो पांच हालतें हैं इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत है मुझे, क्योंकि यही मिसालें, ये जो सारी मिसालें मैंने दी हैं तो इसी को इधर रख लो, या इन्हीं मिसालों में मिनल अब ऐड करो तो ये मिसालें बना लेना। अभी आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना भाई, मैं आपके सामने, मैं भी इधर ही हूँ, कोई मसला बनेगा मैं आपको बता दूँ। इसको हम देखते हैं, अब यहाँ पे ये देखें, एक शख्स फौत होता है, वो छोड़ता है एक उख्त, और उख्त मिनल अब बाप की तरफ से बहन है, एक सगी बहन है, चलें एक और दूसरी बहन भी लगा देते हैं, उख्त मिनल उम, ठीक है, माँ दी भी चौकियाँ शादियाँ दे, प्यो दी भी चौकियाँ शादियाँ, सगी भी और बाप की भी और माँ की तरफ से भी, ठीक है, और साथ हम चाचे को लगा देते हैं, वध्या घटिया चाचे को देना है। अब ये असबा है, ये असबा, और ये अकेली है, इसको आप क्या देंगे, निस्ब। अभी अभी आपने पढ़ा है उख्त मिनल अब अकेली के साथ आ जाए, आप उसको क्या देते हैं, छठा हिस्सा, उख्त मिनल उम अकेली, उसको क्या देते हैं, छठा हिस्सा। तो आप मसला बनाएंगे छः से, इसको तीन, इसको एक, और इसको एक, और इसको एक, ठीक है। अब इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आगे ये देखें ज़रा, अब ये दो उख्त हैं और इधर सात है उख्त मिनल अब और सात आम। अब ये देखें, एक से ज़ायद हैं, इनको क्या देंगे, सुलुसान, और ये माजूबा कौन सी, मशरूता, इसके साथ आ गई है ना, दो उख्तों, अभी आपने पढ़ा है दो उख्तों तो फिर नहीं मिलेगा, दो उख्त वो वाली हों तो फिर इसको नहीं मिलेगा। तो ये माजूबा है और ये असबा है, मसला बनाएंगे हम तीन से, एक जमा एक दो, दो तो ही देना है ना, तीसरा हिस्सा एक है, और ये एक इसको दे देंगे। अब यहाँ इसी सूरत में हम ये कर लेते हैं, इधर ही मैं कर देता हूँ छोटा सा करके, कि दो उख्त और सात उख्त और सात, सॉरी, उख्त मिनल अब और इधर अख मिनल अब आ गया। अब इसको सुलुसान, इसको सुलुसान, और ये आपस में क्या बनेंगे, असबात। अब यह देखें, मसला बनाएंगे तीन से, माल के तीन से करेंगे, दो इसे आप दे देंगे और एक इसे इनको। अब यहाँ पे ये देख लें, इसको नहीं मिल रहा था लेकिन यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि बहनों का जो हिस्सा है वो ज़्यादा से ज़्यादा दो था या सुलुसान है। जैसे बेटियों का हिस्सा दो था या ना, अगर बेटियों में आप दे दें दो तहाई तो पोतियों को आप देते हैं, नहीं देते हैं। यही सेम टू सेम वो जो कंसेप्ट है ना, वो इधर अप्लाई किया गया है। अगर आप सगी बहनों को दो तहाई दे दें सुलुसान तो फिर आप जो बाप की तरफ से बहन है उसको आप नहीं देंगे, इल्ला ये कि उसकी जो हैसियत है, जो स्टेटस है वो चेंज हो जाए। जब चेंज हो जाएगा जैसे यहाँ पर किया तो फिर हम एक और हैसियत से दे देंगे, पहले उसको देना था हमने जुल फर्ज होने की हैसियत से, अब हम उसको देंगे असबा होने की हैसियत से। क्लियर है? हाँ जी, ये था बेसिक। बाकी कलाला वाला जो कन्सेप्ट है वो इधर भी है, क्योंकि कलाला का क्या मतलब होता है भला, कि बाप और औलाद ना हो तो फिर, तो इनको भी अगर औलाद होगी तो फिर नहीं मिलेगा, यानी बेटा होगा बाप होगा फिर इनको नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे देख लें, ये किधर है, ये बाप है, ये दोनों के लिए है, दोनों के लिए, ठीक है। और बेटी के साथ जो है ना वो मिलेगा, बेटी के साथ ये मिल जाता है, और इसकी जो बेस है और उसकी जो दलील है वो कौन सी हदीस है, ये क्या हिसाब किताब है, वो मैं फिर किसी टाइम एक्सप्लेन कर दूंगा। बेसिकली जो आज मैंने पढ़ाया वो ये कि वरसा में जो बहनें हैं उनका जो हिस्सा है वो क्या है, कितना है, और आपने कैसे देना है,
मेरा ख्याल याद हो गया होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने पहले ऐड की थी इसलिए ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। ये नहीं पहले मैंने एक एक हिस्सा बताया फिर दो दो तीन तीन, और ये वाले मैंने छोड़े हुए थे, ये वाले आपको मैंने नहीं बताए थे, आज बताया ना जी। पहले नहीं बताए थे, बाकी ये तकरीबन मैंने बातें बताई हुई थी, तो ये इसलिए इतनी आसानी से ये इकट्ठा हो गया। अदरवाइज फिर क्या करना पड़ता है, इसको सेपरेट याद करवाओ फिर आगे वो। अच्छा, सेपरेट करने का फिर एक नुकसान भी है, बंदा जो है ना वो चूँकि अब मैंने आपको बता दिया कि ये पांच चीज़ें मुश्तरक हैं, अब आपको भूलेगा नहीं, अब बंदा ये याद करता है, बस अवकात वो याद करता है, सेपरेट ना, अब क्योंकि पता नहीं होता वो चीज़ों को बंदा कंबाइन कर देते हैं। ये वाले जो साथ हैं ना, ये साथ ये उठा के बंदा इधर लगा देता है। कई तालिबे इल्म मैंने देखे हैं, जब मैं सेपरेट पढ़ाता था ना तो तालिबे इल्म मैंने ये इसका बारे में पूछा है, जनाब वो साथ वो लगा नहीं, कहो हम समय रहे थे इसके साथ हमने याद की हुई थी, वो साथ उठा के इधर लगा दी। ठीक है, अब आपको पता चल गया पाँच मुश्तरक हैं और दो ऐसे हालते हैं जो सिर्फ उख्त में लड़ब की हैं, बाकियों की नहीं हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चीज़ों को आपस में खिचड़ी नहीं पकाएंगे, गुड मुड नहीं करेंगे, काफ़ी है। अच्छा, ये जो आप मुझसे बात पूछ रहे हो ना, ये मैं बाप और इसकी मौजूदगी में सुन लें, जो अहले हदीसों का नुक्ता नज़र है वो यही है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का भी नुक्ता नज़र मेरा ख्याल यही है, और यही हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि बाप हो, दादा हो, परदादा हो या जो भी हो, उसकी मौजूदगी में और मुज़क्कर फ़रा की मौजूदगी में इनको नहीं मिलेगा। ठीक, मैंने ये यहाँ पे अब इसलिए लिखा है क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो बाप और दादे में डिफरेंस करते हैं, फ़र्क करते हैं, वो कहते हैं इनके साथ अगर बाप आ जाए तो फिर इनको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर दादा आ जाए तो फिर मिलेगा। अब कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको किस हिसाब से मिलेगा, ये फिर सेपरेट बात है, उसमें फिर आगे नुक्ता नज़र अलग हैं। एक ने कहा इस तरह मिलेगा, दूसरे ने कहा नहीं इस तरह मिलेगा, तीसरे ने कहा नहीं इस तरह मिलेगा, और ये बकायदा चैप्टर आप आगे पढ़ेंगे, अल जद्दू माल इख्वा, दादा बहन भाइयों के साथ आ जाए तो फिर क्या किया जाएगा। वैसे राज्य मज़हब यही है, राज्य मसलक जो है वो यही है कि भाई नहीं मिलेगा, हम यही समझते हैं कि दादा और बाप एक जैसे हैं। ठीक है भाई, बाप है ना आपने उसकी मौजूदगी में, तो दादा जो होता है ना वड्डा प्यो होता, वड्डा बाप, तो दादा अब्बा है क्या, अब्बा प्लस समथिंग एल्स, तो आप उसको गिराए नहीं, ये नहीं को तू जनाब दादे नो को तू जनाब छोटा बाप है, कि बाप की मौजूदगी में तो हम जो है उसको नहीं देंगे, लेकिन तेरी मौजूदगी में दादा गुस्सा कर जाएगा और डांगा मारेगा। हाँ जी, डांग लेके मगर लग गया ना, उते ना प्यो लभना है, ना अगू पुत्र पोतरा लभना है, ना नूँह लभनी है, सारे जनाब रफू चक्कर हो जाना है, इसलिए हाँ इसलिए हम दादे से डरते हैं और हम दादे को बाप जैसे ही समझते हैं कि बाप की मौजूदगी में इनको नहीं मिलेगा, बाप को मिलेगा, ऐसे दादे की मौजूदगी में इनको नहीं मिलेगा, हम दादे को दे देंगे इज्जत के साथ, लो जी बुज़ुर्गो अपना हिस्सा फाड़ लो, और जरा छोटा डांग रखे इन पीछे ज़रा रख लो मंजी दी पीली से। आप इनको इनके साथ ना मिलाएं, ये तो सेपरेट है ना, अगर ये आ जाएंगे भाई फिर तो मिल ही नहीं ना सकता, अगर ये नहीं है तो फिर अगर अकेली है तो निसब देंगे, एक से ज्यादा तो फिर आप देंगे, हाँ फिर भी नहीं मिलेगा। मैंने उसूलो फिर देखे ना, बाप या इधर बाप या, अगर दोनों होंगे तो फिर तो बदरजा औला नहीं मिलेगा, अगर दोनों होंगे फिर तो बदरजा औला नहीं मिलेगा। क्लियर है जी, जी। ओ क्लियर है जी।